नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। विवाहित महिला की संदेहास्पद मौत, मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। गढ़वा से खबर। जिला सदर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी अनुज राम की पत्नी शोभा देवी उम्र 23 वर्ष की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई। घटना के संबंध में मृतका के भाई कृष्ण राम ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन की शादी 2018 में पिपरा गांव निवासी अशोक राम के पुत्र अनुज राम के साथ हुआ था। इसके बाद मृतका को दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था। इसी बात को लेकर कई बार आपस में समझौता भी किया गया था, लेकिन ससुराल के लोग अपने कारनामों पर अड़े रहे। घटना से पूर्व अनुज राम ने अपने साले से फोन कर मोटरसाइकिल की मांग की थी। मंगलवार की देर रात्रि उसे अनुज राम, उसके पिता अशोक राम, उसकी माँ वंदना देवी, उसका भाई राजा राम आदि ने एक साथ षड्यंत्र रचकर उसे गला दबाकर हत्या कर दिया। शोभा के हत्या के बाद भी उसके मायके वालों को कोई जानकारी शोभा के ससुराल वाले नहीं दिए। घटना की खबर फैलने के बाद गांव के लोगों ने उसके मायके वालों को घटना की जानकारी दी। इस दौरान ससुराल के लोगों ने शोभा को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मायके वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर शोभा के चचेरी सास राधिका देवी ने बताया कि मंगलवार की रात्रि बबलू राम की बेटी के छठी में घर के सभी लोग पिपरा गांव गए हुए थे। इस दौरान नया घर हरैया में शोभा देवी एवं उसके पति थे। इस दौरान दोनों के बीच आपस में नोकझोंक हुई थी। बुधवार की सुबह 6 बजे के घर के लोगों को पता चला कि शोभा देवी की मृत्यु हो गई। सिस्टर के साथ बहुत ही अनसफी हुआ सर। उसको सास ससुर सब मिल करके मुआ दिया है। धमकी देता था पहले से भी कि आप गाड़ी नहीं देंगे, 3 लाख रुपया नहीं देंगे तो तुम्हारा बहन को मुआ देंगे और तुमको भी मारेंगे हम, यही बोलते थे उन लोग। और रोज उस लड़का भी मारता था। हाँ, उसका भाई और ननद है वो खूब लड़ती थी। हाँ, उसका सास भी धमकी देती थी रोज। हाँ, कि मार देंगे तुमको, तो ऐसे कर देंगे। आज मार दिया सर उन लोग। घटना कब हुआ, कब जानकारी मिला? कल हुआ हमको। अभी तक उनको उन लोग जानकारी मुझे नहीं दिया है। हमको जानकारी मिला कहीं और से, मेहमान बीच में रहते हैं इधर उधर, तो वही लोग बताए कि यहाँ पे हुआ है और ऐसे ऐसे तुम्हारा बहन को हुआ है। तो हम गए वहाँ पे, तो जाकर के देखे तो सच हुआ। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर, हमको बहुत ये हुआ है कि मेरा साथ बहुत गलत हुआ है सर। वो आप लोग जो भी कर सकते हैं। क्या नाम है? कृष्णा राम नाम है मेरा। लड़की क्या है? मैं भाई हूँ लड़की के, और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं पिता होता काम उम लेबर वर में करते हैं, जो ही मैं ही हूँ सर। मैं शादी वादी कैसे कैसे कर करके किए थे, और आज इन लोग ऐसे ऐसे मुझे कर रहे हैं। कब शादी किए थे लड़की? तो 4 साल 5 साल हो गया सर। 4 साल। ये बराबर अक्सर ये मारपीट होता रहता था, लेकिन हमको अभी 1 महीना से बात नहीं हो रहा था। पहले बात हुआ था तो FIR हुआ है थाना में आपके द्वारा? सब हम FIR किए हैं। क्या FIR किए हैं आप? तो कुछ नहीं, कि मेरा बहन को ऐसे ऐसे हुआ है। क्या मामला क्या है उस FIR में, क्या आपने बताया है? तो मेरा बहन को मार दिए है उन लोग। क्यों मारा है, क्या कारण बताया? दहेज के कारण मारा है सर। 3 लाख रुपया दो। अब आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफी मिलना चाहिए। किसके किसके नाम पर FIR हुए? अनुज राम है, और उनका पिता है अशोक राम, और मम्मी है वंदना देवी उनका, सब है। उसका बहन एक सिस्टर है, उससे भी लड़ती थी तो बताते थे पहले। मायके मायके कहाँ है, मानी कि लड़की का? वो मेरा रहला सर, भोरडिया पड़ेगा। लड़की का मायके? हाँ जी सर। ससुराल? ससुराल हो गया पिपरा, हेलो हरैया में रहते थे। तो ये घटना कहाँ की है? हरैया में हुआ है सर घटना, ससुराल में। हाँ, अब पिपरा में जाकर के वो पुराने घर पे रख दिए है लाश। रात रात में ले गया उन लोग। अभी उनके घर वाले लोग कहाँ है, ससुराल वाले कहाँ? अभी सब उन लोग फरार है सर। पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल की बगल में, गढ़वा।